हेलो फ्रेंड्स, सभी का स्वागत है एक और क्लैश ऑफ क्लैन के इंटरेस्टिंग एपिसोड में। तो फाइनली गाइस, अभी हमारे साथ देख सकते हो सुमित भाई है, जो TF7 पुशर टाउन हॉल 7 से इन्होंने लेजेंड किया है। इनसे मैंने छोटा सा इंटरव्यू लिया है एंड इनके अटैक रिप्लेस भी मैं दिखाने वाला हूं। सो गाइस, तो यहां पर मैंने क्वेश्चन पूछा इनसे, आपने क्या सोच के टाउन हॉल 7 पुशिंग किया? तो इनका आंसर आप देख सकते हो, बस बहुत जने कर रहे थे लेजेंड और मेरे कॉलेज मेट भी कर रहे थे, उसने फोकस किया मुझे पुश करने का। तो वहां से इन्होंने फोकस किया, इनके कॉलेज मेट जो इनके दोस्त थे वो भी पुशिंग कर रहे थे टाउन हॉल 7 की, तो वहां से इनको थोड़ा मोटिवेशन मिला एंड इन्होंने सोचा कि मैं लेजेंड कर सकता हूँ। एंड आगे मैंने इनसे पूछा, एंड आगे कितना पुश करोगे? इन्होंने लिखा और लेजेंड आ गया। फिर इन्होंने लिखा अब नेक्स्ट पुश समर वेकेशन में, मतलब जब सर अपनी गर्मियों की छुट्टियां पड़ेगी तब ये और पुशिंग करेंगे। एंड मैंने बोला लेजेंड में आगे पुश करोगे अभी? तो उन्होंने बोला कि टाउन हॉल 7 से आगे नहीं होता, 50-60 कप बढ़ा लो, मैंने ऐसा बोला। तो इन्होंने लिखा मैक्सिमम 50-20 जा सकता हूँ, 5 अटैक मिलते हैं उसमें। तो गाइस देखते हैं ये 5 अटैक्स में कितना ट्रॉफी अपना पुश कर पाएंगे। एंड यही इनसे मेरी बात हुई। एंड चलिए अब इनके अटैक रिप्लेस की बात हुई, तो गाइस जो लेजेंड वाला अटैक रिप्ले है वो ये वाला है। इस अटैक को करके ये यहाँ पर लेजेंड लीग में आ गए थे। तो देख सकते हो अभी ये थे टाइटन 1 में, एनीबीबी टाइटन 1 में, इन्होंने कॉर्नर में देख सकते हो लून छोड़ा एंड यहाँ से क्लियरिंग करने का इन्होंने ट्राई किया एंड इजीली गाइस काफी ज्यादा परसेंटेज यहाँ पर ये कवर करने के लिए जा रहे थे। एंड इन्होंने पहले फनलिंग क्रिएट किया ताकि बस इनको अपने ड्रैगन को टाउन हॉल डिस्ट्रॉय करवाना था। एंड सेंटर में यहाँ पर हिडन टेस्लास आ गए, देख सकते हो एक आर्चर डिप्लॉय करा एंड फिर जो बेलून थे उन्होंने सेंटर जाके एक और हिडन टेस्ला ड्रॉप कर दिया एंड फिर वो मर गए। एंड फिर यहाँ से इन्होंने फनलिंग क्रिएट करना शुरू करा, किंग एंड एक ड्रैगन ड्रॉप किया एंड उसके बाद वो ड्रैगन भी अंदर अच्छे से जा रहा था। एक फनल जो था, अच्छा फनल जिसको कहते हैं, जो टाउन हॉल की तरफ ड्रैगन को फोकस कर देता, वो क्रिएट यहाँ पर हो चुका था। एंड टाउन हॉल 7 वर्सेस 10 ये अटैक था, तो बहुत ही अच्छा इन्होंने अटैक किया। देख सकते हो अभी 5 ड्रैगन इन्होंने बचा लिए एंड जो फनल था जिससे वो डिप्लॉय करे ड्रैगन और सेंटर ऑफ द बेस जाए तो वो क्रिएट ऑलरेडी हो चुका था। यहाँ पर 3 ड्रैगन चले गए टाउन हॉल पे एंड एक रेज इन्होंने यूज करके सोचा कि टाउन हॉल को ड्रॉप कर लेते, तो यहाँ पर और ड्रैगन यूज नहीं किए गए। और ड्रैगन यूज किए गए केवल और केवल परसेंटेज गेन करने के लिए एंड जो सेंटर वाले 2 ड्रैगन थे उन्होंने हिडन टेस्लास को भी ड्रॉप कर दिया। देख सकते हो एक बच गया था बट कोई ना, किंग अभी स्टिल अलाइव था, ये यहाँ से थोड़ा मिनियन से परसेंटेज गेन कर रहे थे, ऊपर की तरफ 2 ड्रैगन परसेंटेज कर रहे थे एंड मिनियन एंड आर्चर से परसेंटेज गेन कर रहे थे ये केवल। एंड यहां पर भी 2 ड्रैगन की एंड एक रेज कर दिया एंड रेज करने के बाद ड्रैगन आगे की तरफ गए एंड उन्होंने डिफेंसेस को डिस्ट्रॉय किया एंड इसी के साथ परसेंटेज देखोगे तो 38 कर लिया था। इस समय बहुत नर्वस हो गए क्योंकि ये लेजेंड अटैक था, इस अटैक के बाद ये जाने वाले थे लेजेंड में। सो इस अटैक के बाद ये हो गए थे लेजेंड, इन्होंने बहुत अच्छा ट्राई किया एंड 50% के लिए गए एंड देखते ही देखते गाइस यहाँ पर 47% हो गया एंड यहाँ पर 3% ऊपर से निकल रहे थे तो जो लास्ट रेट था उन्होंने यहाँ यूज किया इजिली। इस बेस को उन्होंने 2-स्टार कर अपना लेजेंड कंफर्म कर दिया एंड टाउन हॉल 7 का ये अटैक रिप्ले था एंड यहाँ पर ये तो मर गया था बाय द वे, बट यहाँ पर इन 3% से इन्होंने लेजेंड हिट कर लिया एंड रिकॉर्ड बना दिया टाउन हॉल 7 के लेजेंड का। अभी आगे मैं और भी रिप्लेस दिखाऊंगा, तो यहाँ पर देख सकते हो इस अटैक के बाद उनके आगे लेजेंड का शील्ड आ गया एंड जो इससे पहले मैंने वीडियो बनाया था उसमें मैंने बता ही दिया था इनकी तरफ से जो पॉइंट ऑफ व्यू था। चलिए ये अब 1-2 अटैक में इनके आपको और दिखा देता हूँ। यहाँ पर 10-10 ट्रॉफीज प्लस किए गए, ये भी टाउन हॉल 10 का बेस था एंड इसमें इन्होंने कहाँ से अटैक किया देख सकते हो, साइड में मिनियंस 3-4-5 मिनियंस आए, आर्चर्स आई, तो केवल और केवल गाइस यहां से इन्होंने निकाल लिया है परसेंटेज। अगर आप देखोगे तो ये काफी स्प्रेड बेस था, काफी दूर दूर था एंड इजीली इनको 10-12% मैक्सिमम इनको आर्चर एंड मिनियन से ही मिल गया, तो इनके लिए बहुत अच्छा हो गया। फिर इनको फोकस करना था केवल टाउन हॉल डिस्ट्रॉय करने पे, तो वही इन्होंने आगे की तरफ किया। आप देख सकते हो अभी तक इन्होंने एक भी ड्रैगन डिप्लॉय नहीं किया एंड परसेंटेज गेन ये कितना ज्यादा कर चुके देख सकते हो, 7, 8, 9, 10, 11, 12 में भी 15% इन्होंने उससे निकाल लिया। अब यहाँ पर एक किंग आया एंड एक ड्रैगन आया और उन्होंने फनलिंग क्रिएट कर दिया यहाँ पर अच्छे से एंड किंग ने काफी वैल्यू प्रोवाइड कर दिया, परसेंटेज गेन करके दे दिया एंड ये यहाँ से एक ड्रैगन 2 ड्रैगन इस कोने में एंड मे भी यहाँ पर रेज डाल सकते हैं ये एंड देख सकते हो रेज इन्होंने डाल दिया एंड यहाँ पर भी फनल ऊपर की तरफ भी क्रिएट हो चुका था एंड साइड क्लियरिंग के लिए भी यहाँ पर फनलिंग क्रिएट कर दी गई थी।
अब इनको डिस्ट्रॉय करना था टाउन हॉल, जो कि बहुत हार्ड होने वाला था। एंड यहाँ पर डबल ड्रैगन एंड कुछ लूम्स गए, तो वो भी क्रेजी थे। एंड यहाँ से इन्होंने थोड़ा परसेंटेज और लिया, एंड इन्होंने केवल 3 ड्रैगन्स यहाँ पर बचाए टाउन हॉल डिस्ट्रॉय करने के लिए। मेरे को लग नहीं रहा था कि इसमें टाउन हॉल डिस्ट्रॉय होएगा। अभी आगे देखते हैं गाइज इन्होंने कैसे यहाँ पर टाउन हॉल को निकाला होगा इस बेस में, या फिर ये टाउन हॉल को नहीं भी निकाला होगा बिकॉज ये 1-स्टार अटैक है आई थिंक, क्योंकि वो सामने वाला प्लेयर लेजेंड लीग में एंड ये टाइटन लीग में, तो एक वेल टाइप का बेस था, इनको इस पर 1-स्टार कंफर्म करना था, तो ये 1-स्टार के लिए गए एंड 10 ट्रॉफीज इन्होंने सिक्योर करा अपना। एंड भाई क्लाउडिंग बहुत ज़्यादा होता है जैसा कि आप सभी को पता है टाउन हॉल 7 से अगर पुश कर रहे हो आप। एंड अभी इनके ड्रैगन बचे 2 एंड इन्होंने मे भी 50% ही कंफर्म किया अटैक, क्योंकि यार ये देख सकते हो एयर स्वाइपर की पोजीशन, तो वो वहाँ से तो कर पाना बहुत ज़्यादा हार्ड होने वाला था इनके लिए। बट इन्होंने यहाँ पर एक और रेज यूज़ किया एंड सिक्योर 1-स्टार 50% अटैक इन्होंने टाउन हॉल 7 से करा एंड 10 लेजेंड ट्रॉफीज मतलब और पास आ गए थे ये। तो ये अटैक इनका था एक और। अभी आगे की तरफ ये 1-स्टार अटैक था, आगे मैं और अटैक दिखाता हूँ आपको। तो चलिए अभी एक और अटैक में दिखाता हूँ आपको। ये 2-स्टार अटैक था, ये बहुत ही ओपी अटैक था एंड ये भी टाउन हॉल 10 वर्सेज इनका अटैक था, टाउन हॉल 7 वर्सेज 10। एंड चलिए अभी देखते हैं इसमें कैसे इन्होंने डिप्लॉय किया। इन्होंने यहाँ पर बेलून डाला, रेज डाला, ताकि वो सोच रहे थे कि ये वाला जो एयर डिफेंस है ये ड्रैगन को प्रॉब्लम क्रिएट ना कर दे। एंड उन्होंने यहाँ से काफ़ी अमाउंट में डिफेंसेस वगैरह डिस्ट्रॉय कर दिए एंड निकाल दिया। एंड यहाँ पर 3 ड्रैगन्स आते हैं जो फनलिंग क्रिएट करने के लिए इन्होंने यूज़ किए, जिससे कि ड्रैगन कहीं इधर विधर ना भटके एंड परसेंटेज भी गेन हो रहा है इनको, सो वो भी काफ़ी अमेजिंग चीज़ है। एंड ये 50% एंड कॉर्नर्स में आर्चर्स वगैरह डिप्लॉय किया इन्होंने, तो वो भी बहुत ही बढ़िया था। एंड यहाँ पर जो ये ड्रैगन था, ये एक सिंगल ड्रैगन काफ़ी वैल्यू प्रोवाइड करके गया इनको अटैक की। एंड देख सकते हो फनलिंग जो उस वाले ड्रैगन ने क्रिएट करी वो काफ़ी अच्छी करी, कॉर्नर पूरा एंड तक मोटार तक डिस्ट्रॉय कर दिया उसने, तो ड्रैगन के भटकने का सवाल ही नहीं उठता था, टाउन हॉल इजिली अब निकल जाने वाला था। बट यहाँ पर एक माइन आया एंड यहाँ पर जो मेन फोकस था वो था क्वीन। यहाँ पर क्वीन बहुत ज़्यादा ड्रैगन्स को डिस्ट्रैक्ट करने वाली थी एंड यहाँ पर इन्होंने रेज यूज़ करी होगी ताकि टाउन हॉल ये डाउन कर पाए इजिली। एंड एक ड्रैगन गया यहाँ पर सेंटर एंड सेंटर में क्वीन पे चारों ड्रैगन लॉक हो गए एंड रेज स्पेल ने अपना कमाल कर दिया एंड ये टाउन हॉल अब बचा नहीं। अब इनके पास बचते हैं 3 ड्रैगन 7 मिनियन। अब देखने वाली बात होगी इन्होंने 50% कंफर्म कैसे किया। अपर साइड में देख सकते हो किंग ड्रॉप किया, कुछ आर्चर से फनलिंग क्रिएट कर मतलब परसेंटेज निकालने का ट्राई किया एंड ऊपर की तरफ मिनियंस आ गए एंड अभी भी इनके पास 3 ड्रैगन। अब इनको लग रहा होगा कि ये 2-स्टार कैसे कंफर्म करे, देखते हैं इन्होंने परसेंटेज गेन कैसे किया। एंड काफ़ी इजीली अब लग रहा है इस तरफ यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा परसेंटेज था जो इन्होंने रेज ड्रॉप कर इजीली इन्होंने कवर करने की ट्राई करी और इन्होंने कर दिया भैया, कर दिया 2-स्टार कंफर्म। एंड ऊपर की तरफ मिनियन आ गया एंड यहाँ पर अब देख सकते हो 2-स्टार इनको कंफर्म करना था, एक ड्रैगन 5 मिनियन बचे थे, तो इन्होंने ड्रैगन अपर साइड डिप्लॉय किया, इधर कुछ आर्चर्स एंड उधर मिनियन भी आ गए एंड ये भी 2-स्टार कंफर्म अटैक एंड काफ़ी ज़्यादा बेस्ट अटैक था ये भी एंड टाउन हॉल 7 के लिए। एंड इन्होंने फिर एंड बैटल कर दिया मे बी, क्योंकि लेजेंड वाले अटैक नहीं है जो परसेंटेज मैटर करे, यहाँ बस ये 2-स्टार के लिए गए, कंफर्म किया, ट्रॉफीज उठाए और आ गए। चलिए अभी आगे फिर अपना इंटरव्यू हुआ, इन्होंने फिर एक और अटैक रिप्ले शेयर किया, चलिए ये मैं आपको दिखा देता हूँ। एंड यहाँ पर इनको लकीली एक टाउन हॉल 9 का बेस मिल गया, तो टाउन हॉल 9 पर अटैक करना थोड़ा इजी होता है, मे बी टाउन हॉल 10 थोड़े हार्ड पड़ जाते टाउन हॉल 7 के सामने, बट ये टाउन हॉल तो आप देख सकते हो जो मिनियंस थे उन्होंने कितने इजीली इतनी सारी बिल्डिंग को टारगेट कर लिया एंड क्लियरिंग कर रहे हैं। इस तरफ एक ड्रैगन इन्होंने डिप्लॉय किया ताकि वो थोड़ा सा फनलिंग क्रिएट कर दें एंड आर्चर टावर को डिस्ट्रॉय कर दें, एक इन्होंने उस तरफ डिप्लॉय किया, बस ये फनलिंग क्रिएट करने वाले हैं यहाँ पर, काफ़ी अच्छी फनलिंग क्रिएट करते हैं टाउन हॉल 7 से अगर देखोगे तो। एंड मिनियन आर्चर देख सकते हो बेस के चारों तरफ से डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, मतलब बहुत ही जहर तरीके से अटैक कर रहे हैं। एंड अगर आप भी टाउन हॉल 7 पुशिंग करना चाहो तो कर सकते हो, इस तरह के अटैक्स आपको सीखने पड़ेंगे केवल क्योंकि ड्रैगन से ही पुशिंग होता है, ड्रैगन मिनियन एंड आर्चर्स लेकर जाओ एंड तबाही मचाओ भैया, लेजेंड में यही सब चलता है। एंड फनल क्रिएट हो चुका है ऊपर भी नीचे भी आगे भी पीछे भी, अब तो ड्रैगन से इनको डिस्ट्रॉय करना था टाउन हॉल। एंड यहाँ पर इन्होंने केवल एक ड्रैगन यूज़ किया, मेरे को लग रहा था ये टाउन हॉल निकल जाएगा बट मैं थोड़ा कंफ्यूज था बिकॉज एयर स्वाइपर की पोजिशनिंग काफ़ी अच्छी थी, बट यार गाइज एक अकेले ड्रैगन ने रेज के साथ में टाउन हॉल निकाल के दे दिया हाथ में। एंड यहाँ पर 27% हो चुका अटैक
एंड यहाँ पर फिर इन्होंने अपना डिप्लॉय करा किंग, वो दिखाएगा अपनी पावर। एंड ऊपर अपर साइड में आप देख सकते हो ड्रैगन्स आ गए, एंड भैया अभी 5 ड्रैगन इन्होंने बचा के रखे, 2 रेज स्पेल बची हुई है। एंड इजिली ये अटैक अगर देखोगे तो 5 ड्रैगन बचे हुए, एंड परसेंटेज में देखोगे तो ऑलमोस्ट 40% इन्होंने अटैक कर दिया विथ ओनली 100 कैपेसिटी ऑफ ट्रूप्स, मतलब 100 कैपेसिटी इन्होंने बचा के रखी एंड इतनी जल्दी इन्होंने कर दिया इसको 40% प्लस। एंड फिर इन्होंने और ड्रैगन डिप्लॉय किए एंड बस अब बचा ही क्या था, 50% कन्फर्म इनको करना था। तो ये यहाँ पर डबल ड्रैगन है जो थोड़ी परसेंटेज दे रहे हैं इनको, एंड एक ड्रैगन अपर साइड में आ गया। अब देखने वाली बात होगी, एक रेज इन्होंने यहाँ डिप्लॉय किया एंड ये हो चुका है गाइस कन्फर्म 50% अटैक। तो यहाँ पर 50% इन्होंने निकाल दिया, 2 ड्रैगन, एक रेज अभी भी बचा हुआ है, फिर एक ड्रैगन इन्होंने इधर डिप्लॉय किया, एक और इधर, एंड रेज भी आने वाला होगा अब इधर किधर ही, जो लास्ट रेज है। अभी इनके पास सीसी के लून भी बचे हुए हैं, मे बी इन्होंने यूज किए ही नहीं होंगे क्योंकि यार 2 स्टार इजिली यहाँ पर निकल चुका था, तो इनको आगे ज्यादा कुछ करने वाला था ही नहीं यार, मतलब 60% अटैक कर दिया इन्होंने। टाउनल 9v7 अटैक, मतलब ओपी। तो इस तरह से कुछ इनकी सुमित भाई की लेजेंड की पूरी कहानी रही, एंड इन्होंने लेजेंड पुश किया, अचीव किया, गोल सेट किया, एंड फिर भाई इन्होंने करके दिखा दिया। तो भाई यहाँ पर अभी बातें वगैरह चल रही है, एंड यहाँ पर देख सकते हो यार वो अभी क्लैन से जा चुके हैं, कहीं उनको कुछ जाना होगा मे बी, एंड सेवेज 7 क्लैन में गए अब ये। सो भैया ये तो आप सभी को पता ही है टाउनल 7 का बेस्ट ट्रॉफी पुशिंग क्लैन है, एंड यहाँ पर मिस्टर सुमित TS7 आ चुके हैं, एंड ये देख सकते हो सेवेज सेथ, ये भी टाउनल 7 पुशर, और भी अगर यहाँ दिखाऊँ मैं आपको ये भी टाउनल 7 पुशर, देख सकते हो यार यहाँ पर टाउनल 7 की बाहर है भाई साहब, केवल 9 वॉर स्टार एंड लेजेंड लीग, एंड देख सकते हो थंडरबर्ड TH7 लेजेंड, ये लीडर है इस क्लैन के, ये टाउनल 7 लेजेंड ऑल टाइम बेस्ट 50-38, मतलब क्या बोले, ये देख सकते हो सेवेज सेथ काफी ज्यादा, ये सुमित भाई आ गए अपने, एंड ये भी TH7, एंड ये TH7 नहीं है मे बी, ये TH12 है या आई नो परसेंटेज, एंड ये TH7 के एक और लेजेंड लीग प्लेयर, क्या बोलूं मैक्स TH7 नाम से, ये भी TH7 लेजेंड, कितने लेजेंड प्लेयर है गाइस देख सकते हो यार इस क्लैन में, सारे टाउनल 7 लेजेंड। तो ये वीडियो थोड़ा लंबा हुआ बट कैसा लगा बताना, हमने इंटरव्यू भी लिया सुमित भाई से, बातें भी करी, एंड गाइस अब एक चीज़ करनी है आपको, इनका इंस्टाग्राम हैंडल आप फॉलो कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में क्रेडिट में लिंक मिल जाएगा आपको इनके इंस्टाग्राम का, एंड जाकर फॉलो कर लीजिएगा, मेरा भी इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में, तो मेरे को भी फॉलो कर लेना, एंड यार चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब करना। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय, मिलते ही ऐसे ही नेक्स्ट एपिसोड में, तड़कते भड़कते एपिसोड में, चलिए ठीक है, बाय, इन्जॉय।